हेलो, गुड मॉर्निंग डियोस्टिन। तो इससे पिछले लेक्चर में आपने देखा कि एक बल्ब को दो जगह से कैसे कंट्रोल करते हैं। अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एक बल्ब को, एक लैंप को दो या दो से अधिक जगहों से हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक जगहों से हम कैसे कंट्रोल करेंगे। वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम थ्री प्लेसेस। ठीक है, हम एक लैंप को थ्री प्लेसेस से, तीन जगह से कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हमने ये मल्टी लाइन डायग्राम पहले से ड्रा करके रखा है। तो इसके लिए क्या है कि जब हम एक बल्ब को दो या उससे अधिक जगहों से, तीन जगहों से कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो टू वे स्विच है, ठीक है, टू वे स्विच है, इसकी जो ज़रूरत होगी वो दो होगी, और एक इंटरमीडिएट स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सी स्विच? एक इंटरमीडिएट स्विच की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपकी है इंटरमीडिएट स्विच, और ये जो आपकी दोनों हैं, ये दोनों हैं टू वे स्विच। ठीक है, आप लोग क्लियर हो पा रहे हैं? ये दोनों आपकी टू वे स्विच है, ये आपकी इंटरमीडिएट स्विच है। इंटरमीडिएट स्विच जो होती है उसमें कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है, जैसे आप उसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो सीधे सीधे कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना है, इस वाले बल्ब को हमको क्या करना है, तीन जगहों से कंट्रोल करना है। मतलब तीन जगह से इसको हम किस तरीके से ऑन कर सकते हैं, किस तरीके से ऑफ कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो पावर है, पावर पहले हम इस वाले स्विच बोर्ड पे लाएंगे। ठीक है, फिर ये आपका है S2, ये है आपका S3, और इसको पावर हम इस तरीके से, ये आपका जो इंटरमीडिएट स्विच है उसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ये स्विच इस तरीके से बने होती है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो इसका जो कनेक्शन है वो सीधे सीधे बन जाता है। ठीक, तो देखिए ये आपकी पावर यहाँ से होते हुए ये पावर यहाँ तक हम पहुँचा रहे हैं। ठीक, ये पावर फिर क्रॉस हो रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये मिल रहे हैं। ये अगर आपका इस तरीके से बना है, इसका मतलब वायर क्रॉस कर रहा है। अगर यहाँ पर इस तरीके से है, इसका मतलब एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पर ये वायर मिल रहा है, ये वायर मिल रहा है, ये आपका वायर मिल रहा है, लेकिन ये क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब ये आपस में टच नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर दोनों वायर इस तरीके से लगे हुए हैं, ये आपस में टच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पावर आया, इधर से पावर आपने इसको ऊपर की तरफ रखा हुआ है, तो ये यहाँ पर, इसके बाद क्रॉस होकर यहाँ पर, फिर ये देखिए ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ये इधर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ से आपका ये लाइन है, ये आपका न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखिए इसको हमने, इसका जो दूसरा पोर्शन है इसके ऊपरी सिरे से, ठीक है, ये समझ लीजिए कि जो ऊपरी वाला हिस्सा है, इसके दो आउटपुट जो टर्मिनल निकलेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके टू वे स्विच होती है, ये दोनों आउटपुट के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों सिरे हैं इसके ऊपरी सिरे से, और इसके जो दो आउटपुट वाले सिरे हैं इसके निचले सिरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऊपरी सिरा है इससे हमने जोड़ दिया, इसका जो निचला सिरा है इसके ऊपर जोड़ दिया, और इसका जो निचला सिरा है इसके इस साइड हमने नीचे से जोड़ के रखा है, ये देखिए। ठीक है, और इसका जो ये वाला साइड का सिरा है इसको हमने ऊपर से जोड़ के रखा है। तो इस तरीके से हमने इसका कनेक्शन बना दिया है। तो अब देखिए हम इसको तीन जगहों से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई पर्सन यहाँ पर है तो वो क्या करेगा, इस वाली स्विच को प्रेस करेगा तो कनेक्शन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्या करेगा, स्विच को प्रेस करेगा तो कनेक्शन ऐसे बनेगा। तो पावर आपकी इधर से होते हुए, ये पावर न्यूट्रल हमने बल्ब को पहले ही दे दिया, ये पावर, ये देखिए पावर आपकी इधर से होते हुए, ये पावर, ये पावर, ये पावर, इधर से पावर होते हुए यहाँ तक पहुँच जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, और क्या कंडीशन है, अब देखिए अगर कोई यहाँ पर है तो वो किस तरीके से जला सकता है। अभी आपका कनेक्शन इस तरीके से बना हुआ है तो जल रहा है। ठीक है, अगर कोई चाहे तो यहाँ से बंद कर सकता है, ये वाली बटन को प्रेस कर देगा तो ये सीधे सीधे कनेक्शन बन जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में आपकी पावर इधर से होते हुए, ये पावर, ये पावर,
ये पावर, ये देखिए अब जो है कि इधर से ये कनेक्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि ये जो है कि लाइन आपका किससे, बल्ब से होके आ रहा है, तो ये अगर कनेक्ट हो जाएगा तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने प्रेस किया तो बल्ब जलने लगा, यहाँ से आप चाहें तो कंट्रोल करके इसको बंद कर दिया, यहाँ से आपने बंद कर दिया, और अब ये बल्ब आपका बंद बंद की कंडीशन में है। अगर आप चाह रहे हैं कि बल्ब को यहाँ से ऑन कर दें तो इसको बटन को प्रेस कर देंगे तो बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। देखिए कैसे, ये देखिए आपकी पावर आ रही है, ये पावर इस तरीके से पावर आपकी, ये पावर ये देखिए आपकी पावर कहाँ तक पहुँच गई, बल्ब तक, तो बल्ब आपका जलने लगेगा। इस कंडीशन में आप बल्ब जल रहा है तो आप चाहे इन तीनों प्लेस में से कहीं से भी आप इसको बंद कर सकते हैं। देखिए कैसे आपका मन हुआ यहाँ से बंद करने का, इसको आपने ऊपर की तरफ कर दिया तो बल्ब आपका बंद हो गया। कैसे, ये आपका पावर आया, पावर इस तरीके से आया, ये ऊपर से आ रहा है पावर, ये देखिए साथ साथ चलना, ये पावर, ये कनेक्शन इससे नहीं बन पा रहा है। ये जब कनेक्शन आपका बनेगा तभी आपका ये यहाँ तक पावर पहुँच पाएगी। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि आपने बल्ब को यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है, और इस कंडीशन में बल्ब आपका बंद है। अगर आप बल्ब को जलाना चाहते हैं तो यहाँ से भी जला सकते हैं, इसको बटन को प्रेस कर दीजिए तो बल्ब आपका, अब देखिए ये आपकी पावर इधर से होते हुए पावर, ये पावर, ये क्रॉस होके पावर आपकी, ये पावर, ये पावर, ये देखिए आपका बल्ब में पहुंच गई। इस कंडीशन में आपका बल्ब क्या है, जल रहा है। आपको इस जगह से कंट्रोल करना, इसको ऊपर कर दीजिए कनेक्शन, यहाँ तक पावर आपकी आ रही थी अभी तक, ये इसके माध्यम से पावर यहाँ तक आ रही है, लेकिन ये कनेक्शन आपने कट कर दिया तो बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि एक बल्ब को आप दो या उससे अधिक जगहों से क्या कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ हमारे लोड होते हैं जो हल्के लाइट लोड होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक जगहों से इजिली कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये तो आपका है मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, अब हम इसी का देख लेते हैं क्या, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, इसी का हम सिंगल लाइन डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपका स्विच बोर्ड वन, ये आपका स्विच बोर्ड टू। ठीक है, स्विच बोर्ड आपका जब सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा करते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये आपके देखिए नंबर ऑफ वायर कहाँ पे कितने जा रहे हैं, इसको आप इस वाले डायग्राम से गिन के बता सकते हैं कि कहाँ पर कितने जो है कि वायर जा रहे हैं। देखिए बल्ब के पास कितने वायर जा रहे हैं, दो वायर जा रहे हैं। ठीक है, आप और इसको नीचे बना लीजिए, देखिए एक दो, तो बल्ब के पास दो, इधर से कितने आ रहे हैं, एक दो। ठीक है, ये दो हो गए, यहाँ पर कितने हैं, तीन हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन वायर हो गए, इधर से आपके कितने आ रहे हैं, एक दो तीन, तो यहाँ पर आपके कितने वायर हो जाएंगे, तीन। इधर से कितने निकल रहे हैं, ये देखिए एक ही वायर है। ठीक है, एक दो तीन। ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक दो तीन, और देखिए इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार। इस वाले जो आपका स्विच बोर्ड है यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, और आगे आइए, एक दो तीन, एक दो तीन, और इस वाले पे आइए, एक दो तीन, यहाँ पर कितने हो गए आपके, तीन। ये आपका हो गया स्विच बोर्ड वन, स्विच बोर्ड टू, स्विच बोर्ड थ्री। तो ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो स्कीमेटिक डायग्राम के लिए क्या करना है आपको, देखिए आपको सिंबल तो बिल्कुल सब याद होने चाहिए, जैसे आपका आगे अभी मिलेगा फैन रेगुलेटर। जब हम एक कमरे की वायरिंग करेंगे तो उसमें फैन लगेगा, जो फैन लगेगा तो फैन रेगुलेटर लगेगा, स्विच बोर्ड है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो कितने आपके स्विच लगे थे, तीन स्विच लगे हैं, दो टू वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, ये आपकी हो गई यस वन। ठीक है,
ये हो गया आपका S2, ये हो गया आपका S3, और ये हो गया आपका बल्ब, और ये हो गया आपका 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्स, ये आपका हो गया पावर, ये हो गया आपका न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी हमने आपको मल्टी लाइन डायग्राम बनाया, सिंगल लाइन डायग्राम बनाया, स्कीमेटिक डायग्राम बनाया, आपको समझ में आया होगा। तो आप अपना कमेंट करके रिस्पांस दीजिए कि आपको जो भी चीज़ें हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस हद तक आपको समझ में आ रही है, और आपको नेक्स्ट किन किन चीज़ों की, किन किन टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करिए। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।